राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और उत्साह मुझे हमेशा प्राप्त हुआ है। आज राम भक्त हनुमान की जयंती का पवित्र दिन है। पूरे देश को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक राजस्थान ने सीमाओं पर देश की रक्षा की है। सुरक्षित राष्ट्र और स्थिर सरकार कितनी महत्वपूर्ण है यह राजस्थान भलीभांति जानता है। इसलिए चाहे 2014 ही क्यों ना हो या 2019, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की मजबूत सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान और यहाँ के लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही है। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस होते तो अपने लिए भ्रष्टाचार के नए रास्ते तलाशती। आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती का पवित्र दिन है। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है।